Very, very warm welcome to all. We had almost completed the chapter of business services. Very distinguished ka part is there yet to cover. जो अभी कवर कर लेते और फिर बाद में इस चैप्टर का फुल स्टॉप लग जाएगा. ओके, बेस्ड ऑन हमने जो पहले ऑलरेडी किया था उसके ऊपर ही सब डिस्टिंग्विश होते हैं. एज यू ऑल नो, जो थियरी बेसिक होते हैं वही पार्ट अभी कवर कर लेते. फर्स्ट डिस्टिंग्विश और कंपैरिजन बिटवीन लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस. देयर आर टोटल 10 पॉइंट्स. अच्छा, एज फार एज डिस्टिंग्विशेस आर कंसर्न, डोंट कवर 10 पॉइंट्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. कवर 7 to 8 पॉइंट्स. वन मोर थिंग, लेंथ की भी जरूरत नहीं है. पॉइंट्स 7-8 पॉइंट्स हो गए बस बात खत्म हो जाएगी. सो कभी कभार है ना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन वो लोग देते हैं. दे कवर अननेसेसरी, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है. नो, मेक इट सिंपल, मेक इट एज सिंपल एज यू कैन. बट द थिंग इज पॉइंट वही होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग इज दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए. यहाँ का लाइन और वहां का लाइन कुछ ना कुछ कोरिलेशन होना चाहिए. तो एक दो लाइन से भी अगर तुम डिफरेंस कन्वे कर सको बात खत्म हो जाए. अभी मीनिंग में कुछ नहीं कर सकते, बट मीनिंग में द बेस्ट पार्ट इज जो तुमने पहले मीनिंग किया है वही लिखना है. पागल की तरह अलग से डिस्टिंग्विश का मीनिंग अलग नहीं बनाना है. जो तुमने बेसिक मीनिंग तुमको पता है वही लिखना है. लाइफ फायर एंड मरीन का एक और बात, इफ यू डोंट राइट हेडिंग्स तुम लोग का एक मार्क कट हो. 10 पॉइंट्स कवर किए सर, लेकिन हेडिंग लिखना भूल गए, एक मार्क जाएगा. प्लीज मेक श्योर के हेडिंग हो. हेडिंग एज इट इज हो नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है. पॉलिसी टेकन बाय के जगह पे बाय होम ये हेडिंग करोगे तो वो रॉन्ग नहीं देंगे. तो हेडिंग एज इट इज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. हम हमारा हेडिंग कुछ अलग लिख सकते, लिख सकते, लेकिन पॉइंट वही होगा, बस थोड़ा हेडिंग में मॉडिफिकेशन हो जाएगा चलेगा. बट विदाउट हेडिंग यू कैन नॉट राइट डिस्टिंग्विशन. पॉलिसी टेकन बाय होम लाइफ इंश्योरेंस द एश्योर्ड हिमसेल्फ. फायर इंश्योरेंस के केस में ऑब्वियसली द इंडिविजुअल जिसकी प्रॉपर्टी इंश्योर करनी है. मरीन इंश्योरेंस में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो गुड्स भेजेगा या गुड्स रिसीव करने वाला है. सब्जेक्ट मैटर लाइफ के केस में लाइफ, फायर के केस में फायर नहीं प्रॉपर्टी और असेट्स, मरीन के केस में शिप एंड कार्गो एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट. पूरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट एग्जिस्ट बोथ, दोनों सेम है. देखो फोर्थ पॉइंट फायर और मरीन सेम है, जो है सो है. टेन्योर दैट इज पीरियड. पॉलिसी कैन बी इश्यूड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स इवन अंटिल द डेथ. इट इज जनरली फॉर अ शॉर्टर पीरियड. फायर इंश्योरेंस में इट इज जनरली फॉर शॉर्टर पीरियड, रेंज 1 month to 1 year. Normally it does not exceed 1 year. तो अगर फायर और मरीन का पूछा था तो सेम ही हो जाएगा ना. हाँ, एक एक काम कर सकते हैं. मरीन इंश्योरेंस में ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म. फायर इंश्योरेंस मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म. ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में कभी लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है. फायर इंश्योरेंस में हो सकता है, तो वो एक डिफरेंस आ सकता है थोड़ा सा. कॉम्पेंसेशन death or maturity whichever is earlier, life ke case mein it is paid only if there is any loss due to fire. Obviously it is paid only if there is any loss. Dono ke case mein wahi hai, jab loss hoga to hi milega. Life to kabhi na kabhi jayegi. Seventh principle of indemnity. To agar tumko yaad hoga to fire insurance aur marine insurance dono bhi case mein principle of indemnity apply hota tha. That is the equation, actual loss or policy amount whichever is less wala equation. लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो अप्लाई नहीं होता. तो अनफॉर्चुनेटली दोनों का सेम ही हो जाएगा एज इट इज दिया उन्होंने. एग्जैक्टली सेम होगा, चेंज नहीं कर सकते. नंबर ऑफ पॉलिसीज इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑन द सेम लाइफ. हाँ, क्योंकि लाइफ की वैल्यू ही नहीं हो सकती ना एग्जैक्ट. तो मैं 2 करोड़ की पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, 5 करोड़ की पॉलिसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास निकाल सकता हूँ. लाइफ इंश्योरेंस की मैं जितनी चाहिए और जितने की चाहिए वैल्यूएशन करवा सकता हूँ. 500 करोड़ का करवा सकता हूँ, 700 करोड़ का करवा सकता हूँ. अकॉर्डिंगली आई नीड टू पे प्रीमियम, उतना
fire. Generally, only one policy can be taken, but double insurance is possible. However, compensation does not exceed the actual loss. मतलब ये अगर तुमको याद होगा तो principle of contribution था. If you take policy from more than one insurers, तो भी पैसा उतना ही मिलेगा. Life में वैसा नहीं है, क्योंकि life में actual loss major ही नहीं हो सकता. तो मैंने 10 करोड़ एक इंश्योरेंस कंपनी से निकलवाया, 15 करोड़ दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से निकलवाया, 20 करोड़ तीसरे इंश्योरेंस कंपनी से निकलवाया, तो सबका टोटल मिला के मुझे पूरा अमाउंट मिलेगा. ए से अलग, बी से अलग, सी से अलग. मरीन में भी सेम है, मरीन और फायर का सेम है. आई कैन टेक पॉलिसी फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर्स, बट आई गेट मैक्सिमम अमाउंट, वही एक्चुअल लॉस और मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट, विच एवर इज लेस, उतना ही पैसा मिलेगा. बेनिफिशियरी खुद इंश्योर्ड भी हो सकता है, एश्योर्ड, एश्योर्ड, राइट, एश्योर्ड. और नॉमिनी इफ ही सर्वाइव्स, मतलब अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे मिल जाएगी, या अगर मैं नहीं जिंदा रहा तो नॉमिनी वगैरह होगा, लीगल है. फायर में और मरीन में ऑब्वियसली जो पर्सन या कंपनी पॉलिसी निकाल रही वही होगी, उसके डेथ वगैरह सवाल नहीं होता. इंश्योरेंस 10th point is very interesting, जो पहले कवर नहीं किया था क्योंकि आया भी नहीं था. What is surrender of policy? देखो, life insurance policies usually बहुत लंबे period के लिए होते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल. So in between अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे अभी continue नहीं करना है policy, तो I can surrender my policy, मुझे कुछ पैसे मिल जाते, 25 साल के बाद मिलने वाले थे, लेकिन मैं 15 साल के बाद surrender कर रहा हूँ policy, अभी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, तो मैं पॉलिसी सरेंडर कर दूंगा. तो 15 साल के बाद मुझे उनका एक कैलकुलेशन होता है, उनके अकॉर्डिंगली आई विल गेट अ सरेंडर्ड वैल्यू. द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं. तो सरेंडर वैल्यू मिलती है मुझे, पैसे मिलते हैं बट एक सरेंडर वैल्यू मिलती है. वो सरेंडर दोनों में पॉसिबल नहीं है, फायर मरीन में, क्योंकि यूजुअली शॉर्टर पीरियड के लिए होता है. करंट सेविंग एंड एफडी, यार मीनिंग पता है हमको, विड्रॉवल्स भी तो पता है हमको. करंट अकाउंट में नो रिस्ट्रिक्शन, सेविंग अकाउंट में देयर आर रिस्ट्रिक्शन. फिक्स्ड डिपॉजिट में तो सेविंग अकाउंट में वी कैन विड्रॉ, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल. फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म यू कांट. डॉक्यूमेंट्स, द बैंक यूज पासबुक, सेविंग में भी पासबुक मिल जाता है, पेइंग स्लिप वगैरह, पैसा निकालने के लिए वगैरह, या पैसा जमा करने के लिए भी हो सकता है, सॉरी पैसा जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए पेन स्लिप होता है. फिक्स डिपॉजिट, थैंक्स गिव्स एफडी रिसीट. फोर पॉइंट, हु टेक्स इट? करंट अकाउंट तो तुमको पता है, ऑलवेज फॉर बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस. सेविंग अकाउंट यूजुअली बाय फिक्स इनकम ग्रुप, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है सैलरी अर्नर्स. इट इज सूटेबल दी है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है. It is suitable for any person with temporary idle cash, जिसके पास idle cash पड़ी है. Restriction? There are no restriction. Restriction का अलग point बनाया है, withdrawal का अलग point बनाया है. लेकिन तो तुमको दोनों पता है, तो मैं उसके ऊपर अभी ज्यादा time waste नहीं करता. Interest rate? ये भी पता है तुमको, low, high वगैरह. Nature of account? Yes. Saving, current, दोनों continuous basis पे होते हैं. FD for a particular period. यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट. सेविंग और करंट दोनों डिमांड डिपॉजिट है, एफडी टाइम डिपॉजिट है. फैसिलिटीज, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन, नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. करंट पे मिलेगी, सेविंग पे नहीं मिलेगी. एफडी पे तुम एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, एफडी एज अ सिक्योरिटी रख के. नेक्स्ट पार्ट, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक का डिस्टिंग्विश दिया है. मीनिंग दिया नहीं है, बट यू एडवाइस यू कि कोई भी डिस्टिंग्विश में पहला पॉइंट मीनिंग का होना चाहिए. कमर्शियल बैंक्स मतलब द एम इज टू अर्न प्रॉफिट, कमर्शियल मोटिव है. सेंट्रल बैंक का द एम इज टू कंट्रोल द अदर बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम. इट इज फॉर्म आरबीआई. फंक्शन पता है तुमको, कंट्री मनी सप्लाई वगैरह देखना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी. कमर्शियल बैंक सवाल ही नहीं पैदा होता, सेंट्रल बैंक होता है. डिपॉजिट्स पब्लिक से वगैरह नहीं ले सकते, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स ऑब्वियसली ले सकते हैं. लोन बैंक्स या गवर्नमेंट को वगैरह सेंट्रल बैंक लोन देती है, कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक को वगैरह दे सकते हैं किसी को भी.
ओनरशिप प्राइवेट या गवर्नमेंट्स की भी बैंक्स होती है, SBI, पंजाब नेशनल एटसेट्रा. ये तो RBI ऑब्वियसली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ना 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 ना, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है. तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट मिस्टेक बेवर्ड्स कभी सुधरेगा नहीं, पूरा रॉन्ग है. फिफ्थ पॉइंट में जो ओनरशिप में दिया है, अच्छा तुम लोग पेपर में लिखोगे तो वो रॉन्ग नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज देयर इन द बुक. कंसेप्चुअल एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड. नाउ इट इज ओके, इट इज ओन्ड बाय, बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया RBI, बट RBI इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. व्हाट इज ऑटोनॉमस सर? ऑटोनॉमस का मतलब वो अपने फंक्शंस खुद करेगा, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता तो कैसे लिख सकते गवर्नमेंट? इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज ओनली ओन्ड बाय. बट इन एडिशन टू दैट, आई एडवाइस यू दैट यू शुड राइट इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट. आई रिपीट, ओनरशिप के पॉइंट में ठीक है भाई, तुम लिख दो ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ओके, बट इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. वापस एक बार लिख देना, मतलब वो पेपर चेकर भी खुश हो जाएगा. नंबर ऑफ बैंक्स, देर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, देर इज ओनली वन बैंक, सेंट्रल बैंक. मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, नहीं कमर्शियल बैंक का सवाल ही नहीं पैदा होता. सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है. फिर रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वो तो है ही नहीं सिलेबस में. तो चार डिस्टिंग्विश है तुमको इस चैप्टर में, और यही चैप्टर में सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश है. चार में से हट गया तो बच गए तीन, तीन ही करने पड़ेंगे. इसी के साथ फोर्थ चैप्टर इज ओवर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी हल्का फुल्का चैप्टर. Emerging modes of business. Chapter number 5. Emerging modes of business. What is emerging modes of business? जो नए ट्रेंड्स आए बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेसेस, ई बिजनेसेस, LPO, BPO, सर ये नहीं पता तो हम डिस्कस करने वाले हैं. आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सब सारे जो नए मॉडल्स है बिजनेस के या इमर्जिंग है. व्हाट इज इमर्जिंग? अभी एस्टैब्लिश बराबर से हुए नहीं है, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुए, धीरे धीरे इमर्ज होंगे, ग्रो होंगे. अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुए पिछले कुछ सालों में, एस्टैब्लिश नहीं हुए अभी तक पूरे तरीके से. सो दिस इज कॉल्ड एज इमर्जिंग मोड्स. और यहाँ पे अभी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. ई बिजनेस तुमको पता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इट इज डिराइव फ्रॉम ई कॉमर्स एंड ई मेल. बाकी तो ये पूछते नहीं है क्वेश्चन, तो स्ट्रेट अवे बिजनेस, ई बिजनेस. द ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स. E-business, electronic business is the administration of conducting business via the internet. This would include the buying and selling of goods and services along with providing technical customers वगैरह. Now यहाँ पे ना e-business and e-commerce में एक difference पूछते हैं. E-business and e-commerce. Now दोनों में difference क्या है बात समझ लो. What is the difference between e-commerce and e-business? Now I'll tell you what is the difference between. I was just checking whether it is there or not in your syllabus, but it is there in your syllabus as far as this attempt is concerned, COVID ka batch is concerned. Okay. Yes. The topic is there. कुछ कट नहीं किया है, एक अच्छा हो गया, क्लैरिटी मिल गई है. देखो इसके पहले के चैप्टर में खाली बैंकिंग, इंश्योरेंस और
वेयर हाउसिंग करना है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किप कर सकते हो? नहीं, स्किप हो गए, करने ही नहीं है। और बाकी सारा पार्ट मैं कराऊंगा, लेकिन बाकी सब में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्शन में छोड़ ही सकते हैं। और उसका रीजन ये होता है, कभी कभार कुछ लोगों को बुरा लगता है, सक्सेशन आप सीधा बोलते हो ऑप्शन में छोड़ने के लिए, ए, मैं नहीं बोलूंगा तो तुम अपने आप से छोड़ोगे। तो अगर तुम कोई गलत क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दोगे और वही कॉम्बिनेशन पेपर में आ गया तो हो गया लॉस। इंस्टेड मैं ही बोल रहा हूँ सामने से, आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमको ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा है कि जो करोगे वो एकदम परफेक्ट करने हैं, ताकि स्कोर ज्यादा हो, ताकि ताकि स्कोर ज्यादा हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मुझे पूरा पेपर आ जाता है उसी का, आता है पूरा, आता है जो भी था वो पूरा आता है, ऑप्शन के साथ आता है, लेकिन परफेक्ट नहीं आता। और दूसरा सिचुएशन ये कि मुझे पूरा नहीं आता, एनी फाइव एनी थ्री बोले तो मुझे तीन ही आ रहे या चार ही आ रहे, लेकिन पांच क्वेश्चन है आउट ऑफ फाइव, मुझे एनी थ्री बोले मुझे तीन या चार ही क्वेश्चन आ रहे, लेकिन एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो मार्क्स वही पे ज्यादा मिलेंगे। कुछ समझ रहे हो बात को? और ये तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि सिलेबस जितना कम होगा उतना वो याद रखने के चांसेस ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा भूलोगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा सिलेबस का उतना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उतनी ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी, भूलने का खतरा वहीं पे ज्यादा होगा, पूरी पूरा सिलेबस है एग्जाम में बोर्ड से। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स should keep in mind that you मतलब छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, but make sure कि objectives में marks cut नहीं होने चाहिए, मतलब वो concept के बारे में basic पता होना चाहिए, so that objective में mark ना जाए, first thing। second thing, option छोड़ना भी एक कला है, तो अपने हिसाब से सर ने बोले suppose 6 questions option में छोड़ दें, तो हम हमारे हिसाब से 6 छोड़ देते हैं ना, छे मतलब कोई भी छे नहीं यार, विच सिक्स पॉइंट विच सिक्स क्वेश्चन, दिस आर दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट। ऐसे कॉम्बिनेशन स्किप करने का जो पेपर में अगर आ भी जाता है तो वो एक हाथ क्वेश्चन आएगा, सपोज वी स्किप 7 क्वेश्चन फॉर ऑप्शन, हाथ ही नहीं लगाने का, खाली उसका बेसिक समझ गए लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं होगा, उसमें से आ ही नहीं सकता क्या? आ सकता है लेकिन एक ही आएगा, और फिर इसके साथ ऑप्शन आते हैं, तो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस नहीं है, जिसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, जिसमें कोई ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं, लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेने ही पड़ेंगे। आई रिपीट, मेरा ये कहना, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, और मेरे सब्जेक्ट में तो मैं ऑथोरिटेटिवली बोल भी सकता हूँ कि पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड पढ़ना भी रिस्क है, पूरा सिलेबस पूरा डिटेल में करना भी एक रिस्क है। रिस्क ये है कि जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा भूलोगे। हाँ, सी आई अंडरस्टैंड, एक दो कैटेगरी ऐसी होती है जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनके चार चार पांच पांच बार रिवीजन हो जाती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं, जो 200 में से एक बंदा ऐसा होता है या 100 में से एक बंदा होता है, वो एक्सेप्शन है, हम एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं कर सकते, सो कंसिडर नॉर्मल नॉर्मल पार्ट। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, अबव एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, पुअर एज इन और इन दिस पार्ट, सबके लिए ये थियरी काम का है, कॉन्सेप्ट काम का है, प्रिंसिपल काम का है। और जो करोगे मतलब अदर देन 7-8 क्वेश्चंस व्हाटएवर, उस पे इतना परफेक्ट ग्रिप ले लेने का, उसमें आउट ऑफ आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई बिजनेस, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस,
It is derived from e-commerce and email and e-commerce. Now, what is e-commerce and what is e-business? ये समझो, इसके ऊपर एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 सिंपल. FYJC में बहुत पुरानी बात है लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं, मतलब याद रखना जरूरी था. अगर तुमको याद होगा तो बिजनेस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कॉमर्स इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट. ऐसा था कि बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इंक्लूड ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यूजुअली गुड्स सर्विसेज तो आएगा ही. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. बिजनेस तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को बोलते हैं. कॉमर्स उसका एक पार्ट है जिसमें खाली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पार्ट होता है. कॉमर्स इज अ सबसेट और अ ब्रांच ऑफ अ बिजनेस. सेम रूल अप्लाइज टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. इफ यू डू योर एंटायर बिजनेस दैट इज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा एवरीथिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड देन इट इज एन ई बिजनेस. इफ यू हैव अ फैक्ट्री, if you produce goods in a factory, so we cannot say that we are doing e-business, but orders are placed online. Marketing and distribution ka part major online through hi hota hai, matlab operations. So we can say that that is an e-commerce. Flipkart, Amazon, ye sare e-commerce websites hai, e-business nahi. Sare e-commerce websites hai, e-business nahi hai. ये परफेक्टली समझ. सो दे आर नॉट डूइंग ई बिजनेस, दे आर डूइंग ई कॉमर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. यस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बार बार पूछ सकते हैं. वी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड नेटवर्क्स कैन बी विजुअलाइज एक्सटेंडेड इनटू सिक्स डायरेक्शंस. सो दे कैन आस्क सिक्स डायरेक्शंस और डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. B2C, B2B, C2B, C2C, B2A, C2A. Very simple question, very. मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आराम से. Business to business. ना, दो business के बीच में जो transactions होते हैं, business to business. Parties involved in e-commerce transactions are firms. Say for example, I supply raw materials to you. Or I supply some softwares to you. मेरे लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना बिजनेस है. मैं बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ और तुम परचेस कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो बिजनेस के लिए यूटिलाइजेशन होगा. तो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी मॉडल, दोनों बिजनेसमैन से. क्लियर? और यही एक्चुअली ई बिजनेस का बेस्ट एग्जाम्पल है. आप TCS सुना है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस और इन्फोसिस, विप्रो, ये सब आईटी कंपनीज है. बहुत जबरदस्त टर्नओवर है इन कंपनीज का. ये ही बिजनेस करती है. इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, इनके ऑफिसेस है, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है. ये सारा जितने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजिकल कुछ नहीं होता, सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं. एग्जैक्ट क्या काम करते हैं भाई मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज मेरा आईटी से कोई लेना देना नहीं. ना मुझे जानने की जरूरत है आईटी क्या होता है, एग्जैक्टली टीसीएस क्या बेचता है. आईटी कंपनी है, कुछ आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बेचती होगी. दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, आई डोंट केयर. बट मुझे ये पता है कि टीसीएस के शेयर की वैल्यू जबरदस्त. टीसीएस का टर्नओवर इतना है कि कुछ देश का जीडीपी, कुछ कंट्रीज का जीडीपी, मतलब दो तीन कंट्रीज तो छोटे मोटे ऐसे हैं जिनका टोटल जीडीपी टीसीएस के टर्नओवर से कम है. इतना जबरदस्त टीसीएस एक कंपनी कमा लेती है. व्हाट इज टर्नओवर? नेट सेल्स. टर्नओवर मतलब सेल्स. ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था बाय बी टू बिजनेस. ई बिजनेस क्या होता है? अगर पूरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, कोई फिजिकल फैक्ट्री नहीं है, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो वही बिजनेस है. फिर हम लोग डायमेंशंस कर रहे हैं. फर्स्ट इज बी टू बी, सेकेंड, अच्छा आगे कुछ दिया है, ट्रांजेक्शंस बिटवीन बिजनेस फॉर्म्स कम अंडर दिस कैटेगरी. तो ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया. और भी कुछ दिया है,
manufacturers provide value added services like catering and also provide manpower. If you need manpower for your business, we provide you. We will provide you all the manpower, all the human resources what you require. हमारी तरफ से आपके पास आएगा. Suppose you need office boys. Office boy, अभी उसमें लिए कोई बहुत बड़ा skills की जरूरत नहीं है. Normal काम आता है, बात खत्म हो जाएगी. So don't worry, we will provide you. आपको टेंशन नहीं लेनी, आप हमको एक अमाउंट दे दो, हम उसमें से उनका सैलरी वगैरह देख लेंगे. So business to business. Next B2C, very simple. Normal यही होता है मॉडल, सबसे पॉपुलर यही है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है. B2C, a transaction between businessman and consumer. Identifies, अच्छा यहाँ पे Flipkart, Amazon वगैरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी है कॉमर्स कर रहा है लेकिन बिजनेसमैन ही है ना देखा जाए तो Flipkart B2C का मॉडल है. B2C मॉडल सर क्या जरूरत है? नहीं कुछ जरूरत नहीं है. देखो ना खाली एक दो पार्ट ऐसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर अ प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड. सर्च करते हैं हम लोग. कस्टमर सेलेक्ट अ वेंडर, व्हाट इज वेंडर, हु इज वेंडर सेलर एंड नेगोशिएट्स अ प्राइस. सर हम लोग फ्लिपकार्ट पे वगैरह नेगोशिएट नहीं करते बार्गेन वगैरह. अरे फ्लिपकार्ट पे नहीं होता बार्गेन, लेकिन कोई लोकल प्रोड्यूसर है उससे तुम परचेस कर रहे हो तो बार्गेन तो करोगे ना, उसको नेगोशिएशन बोलते हैं. कस्टमर्स रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेक पेमेंट, गेट सर्विस एंड वारंटी क्लेम्स वगैरह. एज द नेम इंप्लाइज B2C ट्रांजेक्शन आर द बिजनेस फॉर्म एट वन एंड एंड कस्टमर्स ऑन द अदर एंड. सो आई एडवाइज को जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल करने की. यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट. You can select the product as per your choice. You can negotiate the price with the vendor. That's it. And you can purchase. Ha, example likhna padega. Flipkart hai, Amazon bhi hai. Bas, itna kaafi hai. Aage padhte. Achha, second paragraph mein phir bhi dekh sakte ho. This include promotion, product information, reviews about the product. Kuch रिव्यूज वगैरह भी मिलते हैं, ये अच्छा है. एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट द डोरस्टेप, घर पे बैठ के हमको रिव्यूज वगैरह सब कुछ पता चल जाते हैं. और फोन्स वगैरह परचेस करते टाइम हम लोग वो देखते ही है. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो फास्टर. ठीक है, थर्ड पॉइंट C2B. ये क्या है? कंज्यूमर बिजनेस को बेचेगा. कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज होते हैं. Consumers to business is a growing arena where the consumer, it's a growing world. Consumer requests a specific service from the business. It enables buyers to quote their own price for specific goods. A consumer posts his request with a set budget online. हमारा ये budget है भाई, तुम बोलो कौन से products ठीक है हमारे लिए. Companies review the customer's requirement and bids out the project. For example, pest control services, taxi services, doorstep food delivery, etc. So I need to give my budget, my requirement. I'll approach you and then you will come with some product or some service. That is called as C2B. C2B. Next, consumer to consumer. C2C. Quicker. OLX. Second hand goods bechte jaate hain. It facilitates the online transaction of goods or services between two people, consumer to consumer. Electronically facilitates a transaction between the consumer through some third party. A common consumer posts an item for sale and other consumers bid to purchase. What is bid? Offer. Sites are only intermediaries just to match the consumer. बराबर है, OLX थोड़ी कुछ करती है. एक बंदा बेचता है, दूसरा बंदा खरीदता है. OLX बस एक मीडियम है. The internet allows a lot of space for consumer group to be formed. These forums are very attractive redressal of complaints. It's also possible through such groups, for example, eBay. But quicker bhi hai, OLX bhi hai, ye zyada popular examples hai. You can do that. Point number 5, business to administration.
Now, what is administration? Government departments. Government departments. जिनके साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन होगा बिजनेसमैन का वो B2A में आएगा. ट्रांजेक्शन कंडक्टेड ऑनलाइन विद द बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल देख लो, ROC सुना है, रजिस्टर ऑफ कंपनी सुना है, तो फुल फॉर्म ही दे दिया. कंपनी को रजिस्टर करवाना है, कंपल्सरी है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, FIGC में हुआ था, राइट? तो ROC के पास रजिस्टर करवाओ. बहुत सारा फाइलिंग करना पड़ता है ऑन ईयरली बेसिस, फ्रीक्वेंटली. कुछ एक साल में भी 2-4 बार फाइलिंग करना पड़ सकता है. तो ROC के पास बहुत सारा तुम लोग को काम करना पड़ेगा. तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, गेटिंग परमिट्स, लाइसेंसेस, ये सारे यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ही होंगे. तो बिजनेस टू यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज, आर कन्वर्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. क्या जबरदस्ती बनाया उन्होंने. द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल इनकंपासेस द कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन गेटिंग पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंसेस, कोई भी नॉर्मल कोई भी लाइसेंसेस. बिजनेसमैन का लेना देना नहीं है, नॉर्मल पर्सन जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन. मैं बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का बात है. सेवन पॉइंट है क्या नहीं है, चलो ठीक है. तो देयर आर ओनली 6 पॉइंट्स, एक बार फिर से खत्म कर लेते हैं. फर्स्ट क्या था, B2B, दो बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन, रॉ मटेरियल हो सकता है या एम्प्लॉयज प्रोवाइड किए हैं, कुछ भी हो सकता है, सम एंसिलरी मतलब रिलेटेड सर्विसेज. B2C होता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर. C2B, तो कंज्यूमर सामने से आएगा. He will come with a budget and requirements. Accordingly, business will give the products. C2C, dono consumers, usually second hand goods are sold. B2A, government authorities ke sath business ka interaction. Consumer to A, normal persons ka, individuals ka, administration yani ki government authorities ke sath interaction. Next part, just to know diye, the bolu na main transactions kya hote hai, electronic mode mein hone chahiye. C2C, barabar hai. B2B बराबर है एंड B2C. C2B उन्होंने जबरदस्ती बनाया. एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बिजनेस में लेना देना है, लेकिन उन्होंने दिया है, सो इट इज योर, देखो करना पड़ेगा अभी. अच्छा, उन्होंने जो बॉक्स में दिया है एक बार पढ़ लेते हैं. बुजुर्ग है, उनका लिहाज करते हैं. 1997, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांड न्यू फ्रेजी बिजनेस. IBM वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू यूज. IBM इज वन very very big company. In October 1997 it launched a thematic campaign built around e-business. Aur IBM ne ye famous kiya. 1999 the emphasis of e-business shifted from B2C to B2B. Usme dono businessmen mein involve ho gaye. B2C to B2B, e-commerce, e-governance. What is e-governance, sir? E-governance ka matlab bhai hai company to एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेसेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है ना, ROC कुछ अथॉरिटीज होते हैं, वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ फाइलिंग और डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे कंपनीज में, बिजनेसेस में. तो दैट कम्स अंडर ई गवर्नेंस. गवर्नेंस मींस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन. कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूजुअली, व्हाट दे मीन टू से. What is corporate governance? Corporate disciplines. तो वो कैसे होगा सर? By disclosing various important facts to ROC वगैरह. Then e-learning and m-commerce, mobile commerce है, total online shopping, ये सब तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है. So you don't need me. इसके ऊपर ज्यादा बात करें. उन्होंने ये consider करके दिया है कि भाई कुछ लोग गांव से दे रहे होंगे exam, कुछ लोगों को ज्यादा idea भी नहीं है. अकॉर्डिंगली उन्होंने दिया है, बट आई डोंट थिंक सो कि तुमको ज्यादा प्रॉब्लम होगा. आजकल गांव में भी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कहीं से भी दो, सबको बेसिक आइडिया तो होता है. बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, और अगर नहीं है तो भाई लेना जरूरी है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, दिस इज द लास्ट पार्ट.
Okay, the next part we will discuss in the obviously next lecture. Benefits of e-business. Now, वापस क्या पढ़ने का है? E-business stands for electronic business. It is derived from the words e-commerce and e-mail. That is the handling of business, doing all the activities of business through electronic mode. कोई जरूरत नहीं है बाकी सब पढ़ने की. I mean, depth में. हाँ, merits बहुत जरूरी है. Merits एक बार कर लेते हैं. Again, headings are sufficient. First क्या है? Ease of formation. To start a business, to start an e-business is very easy. Costly नहीं होगा. Second, lower investment requirements. Physical offices में, physical businesses में. Investment is huge. Whereas in the e-commerce, there is no physical space required, right? So, investment amount will be very less. Third is convenience. First time, देख लो, समझ जाओगे. 24/7/365, 365 days होगा. 24/7 availability होगी. So that is the best advantage of e-business. Full flexibility, second line पे मिल जाएगा. E-business is truly a business that enables the enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything. Third line is very important. Anything, anywhere, anytime. जो चाहिए कर सकते हो, देख सकते हो, एनीवेयर, कहीं से भी, और एनी टाइम, जब चाहो तो, रात को 2 बजे, 3 बजे ऑर्डर कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट, स्पीड, एक्सट्रीमली टेरिफिक स्पीड. अभी अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन. मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज. एट वन क्लिक यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली. टाइम भी नहीं लगता. ग्लोबल एक्सेस, अरे कहीं से भी देख सकते हो. यू विल गेट अ ग्लोबल एक्सेस. इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू द बायर टू चूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर. जरूरत ही नहीं. देयर इज अ platform, electronic platform, Udemy. If you want to learn something, many courses, Udemy pe jaake you can search. 400 rupees, 500 rupees mein courses available hai. Main promotion nahi kar raha hu, main example de raha hu. Mera koi lena dena nahi Udemy. You can search any type of course, tumko mil jata hai. You will wonder, ek person aisa hai jisne how to learn motorcycle, उसके भी वीडियोस डाले, उस पे अच्छा खासा व्यूज है, उसको मिल रहा है. अभी हाउ टू लर्न मोटर, अभी बहुत लोगों को आती है यार मोटरसाइकिल चलाना, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑनलाइन सिखाएंगे. ऐसे कोर्स किया है डिजाइन. पहले क्या करते हो, फर्स्ट 10-15 डेज दे विल मेक फ्री टू एक्सेस, और फिर बाद में वो लोग थोड़ा थोड़ा चार्ज कर लेते हैं. अब इससे क्या होता है ना, 10-15 दिन में मैंने वीडियोस फ्री में रख दिए, तो फ्री में है इसलिए बहुत लोग देखेंगे, ऑब्वियस रीजन. फिर बाद में उसको पेड कर देंगे, तो पेड कर देंगे तो पेड करने वाले जो लोग होंगे वो पहले देखेंगे कितने लोगों ने पहले देखा है. अभी क्योंकि फ्री था इसलिए बहुत लोगों ने देखा था, तो उतने व्यूज दिख जाएंगे, और जितने ज्यादा व्यूज दिखेंगे उतना अकॉर्डिंगली यू कैन चेक. आई मीन अगर तुमको ज्यादा व्यूज दिखेंगे उसका मतलब कोर्स अच्छा है. हाँ, तुमको ये क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, वो अलग बात है. बट आई एम ट्राइंग टू से एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है, एक नई फील्ड आ रही है. सो कीप अ चेक ऑन द सेम. यू कैन नॉट बी सो इग्नोरेंट, हमको क्या लेना देना है. नहीं, हाँ ठीक है, तुम बहुत ज्यादा टेक्नोसेवी हो सकते हो, बट ये एक पार्ट ऐसा है जो हमको ज्यादा देखना है. यूट्यूब, प्राइम और व्हाटएवर, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह या हॉटस्टार, ये सब ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी भी दुनिया बन रही है इंटरनेट पे, दैट वी शुड नो, एंड दैट इज Udemy और वेरियस अदर साइट्स दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग. आई मीन देयर इज अ कोर्स ऑन सोलर टेक्नोलॉजी, इसको सोलर के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में जानना है. हाउ टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, how the solar panel works, घर पे बैठे. Organic farming, घर पे बैठे. और many more courses हैं. Guitar सीखने से लेके बहुत कुछ.
जिनको लॉकडाउन में खाली टाइम पड़ा है वो लोग देख सकते हैं, 400 rupees 450 rupees, वेरी नॉमिनल। बेस्ट थिंग इंटरनेट जो कर रहा है वो धमाल मचा रहा है, धमाल मचा रहा है जो भी चल रहा है वो। इट इज एडवाइजेबल के भाई अगर तुम्हारे हिसाब से कोई कोर्स सुटेबल है तो भाई वहां पे जाके चेक कर लो, रिव्यूज वगैरह देख लेना। और 400 rupees 500 rupees मुझे नहीं लगता कि अगर सच में इंटरेस्ट है तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा। सो दैट्स इट, अभी यहीं पे रुकते हैं। आई मीन उडेमी वगैरह की बात बाद में करेंगे कभी वापस टॉपिक मिले तो। स्पीड, ग्लोबल एक्सेस, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, मोदी जी बोलते भी है पेपरलेस इकोनॉमी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी, ह्यूज पोल्यूशन होता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर पेपरलेस हो रहा है तो अच्छा है, नोट्स कम प्रिंट करने पड़ेंगे क्योंकि पेपरलेस हो रहा है, एप्स वगैरह आ रहे, हम लोग ई मनी से ही काम चला रहे, डेबिट कार्ड के थ्रू चला रहे, सेम रूल अप्लाइज हियर। बिजनेसेस अगर पूरा जितना हो सके उतना पेपरलेस हो रहे तो वो अच्छा है। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम इजी, और वो परमानेंट भी रहता है ना। सेवन पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्वियसली सपोर्ट देना भी चाहिए बिकॉज देखो जगह कम होती है, ये जगह कम ऑक्यूपाई कर, कम स्पेस में ये ह्यूज स्केल वाला बिजनेस मॉडल बना सकता है, पेपरलेस है, ब्लैक मनी को भी चेक लगता है क्योंकि पूरा का पूरा व्हाइट इनकम इनकम होगा, यूजुअली पेमेंट ऑनलाइन ही किया जाएगा। अरे भाई पूरा ही बिजनेस है, समझ रहे हो बात को? अगर इलेक्ट्रॉनिकल जितना पार्ट होगा, जितना सेलर और बायर दूर हो जाएंगे उतना ब्लैक मनी का जनरेशन कम होगा। यू नो व्हाट इज ब्लैक मनी? अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड मनी। कैश में ट्रांजेक्शन करते दिखाते नहीं है, कैश में ट्रांजेक्शन करना गलत बात नहीं है, डिस्क्लोज करना चाहिए। गवर्नमेंट थोड़ी बोलता है कि कैश में ट्रांजेक्शन करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल करो बट डिस्क्लोज करो इनकम। अभी ये अगर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होने वाला है, वेरियस पेमेंट मोड्स, इंस्टा मोजो और मेनी मोर, मतलब अगर इफ आई एम ऑफरिंग यू अ कोर्स, सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सीरियसली मतलब, और मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पे करना है, तुमको ऑब्वियसली अगर हम लोग दूर ही रहेंगे एक दूसरे से, फिजिकली तो मिलने वाले नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इलेक्ट्रॉनिकली हुआ मतलब अकाउंट में पैसा जमा होगा, अकाउंट में पैसा जमा होगा मतलब ब्लैक इनकम, ब्लैक मनी होगा ही नहीं। ये एक और रीजन है गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करता है ये बिजनेसेस को, पूरा चेक रहेगा, अपने आप टैक्स इवेजन कम हो जाएगा। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स चोरी करना कम हो जाएगा। 8 पॉइंट, अच्छा इंश्योर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इससे इजी पेमेंट, यस सेम पॉइंट, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और फंड ट्रांसफर के थ्रू होता है एंड इट इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक, 2 बजे 3 बजे कभी भी पेमेंट हो सकता है, इमीडिएटली हो सकता है, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेसेस। Now, the last question is, what are the limitations or disadvantages of e-business? First, lack of personal touch, obviously. One cannot touch or feel the products, so it is difficult for the consumer to check the quality, especially shirts, right? Dikhte kuch hai, milte kuch hai. Kuch products aise hote jo dikhne mein achhe dikhte wahan pe, लेकिन आने के बाद खराब लगते, तो विद द पर्सनल टच इज मिसिंग। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही करते क्योंकि वो समझ में नहीं आता, बराबर देख के पता नहीं चलता। सो लैक ऑफ पर्सनल टच, वेरी बिग डिमेरिट। सेकंड, डिलीवरी टाइम, इट मे टेक सेवरल डेज और पता भी नहीं है। इट इज इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट प्रोडक्ट एज सून एज यू बाय इट, मिल जाता है, बट दैट डज नॉट हैपन इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। दिस टाइम लैग ऑफर डिस्करेजेस कस्टमर्स। Amazon now assures one day delivery. This is an improvement, but does not resolve the issue completely. Amazon ठीक है, लेकिन बाकी छोटे मोटे प्रोड्यूसर से जो ऑनलाइन थ्रू कर रहे हैं, अरे पता नहीं कभी 10 दिन 12 दिन 15 दिन लग जाएंगे तो क्या फायदा? So delivery time,
में लैग होता है, लैग पता है तुमको, डिले होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट. थर्ड सिक्योरिटी इश्यूज, हैकिंग, डेटा लीक हो जाना, अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेसेस, सबको पता है. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This also causes disturbances among the potential customers. So, security issues hote hain. Next, government interference. Sometimes the government monitoring can lead to interference. Government continuously monitor karta hai. Benefits dega, to interfere to karega na. So, government ke rules itne hote hain ki bhai, that creates blunder. Disturbance. Last point, high risk. Because no direct contact with the parties. Fraud ho gaya, so it is difficult to take legal action. Pata nahi hai, samne wala banda kidhar hai. Website ke upar address barabar diya hi nahi hai. Abhi fraud ho gaya, to abhi court mein kaise jaye? Uske physical store hota, to hum log usko pakad ke bol sakte the, uske usse saath correspondence ho sakta tha. Abhi site hai, to kaise kar sakte? Site band ho gayi to. और साइट है लेकिन प्रोड्यूसर पता नहीं कहां पे चला गया, फ्लिपकार्ट वालों ने हाथ ऊपर कर दिए, हम क्या कर सकते? बिकॉज़ हम फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते. प्रोडक्ट बराबर है, अब फ्लिपकार्ट की गलती नहीं है, प्रोड्यूसर की गलती है, फ्लिपकार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो वो हाथ ऊपर कर देगा. ऐसे केस में वी कैन नॉट फाइंड द ट्रू ओनर, द ट्रू प्रोड्यूसर, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाएगा भाई. तो ये हाई रिस्क है. So these are the merits and demerits of e-businesses. एक बार ये last कर लेते वापस और फिर next lecture में बाकी सारा पार्ट करेंगे. Formation easy था, investment भी ज्यादा नहीं है, तो lower capital investment. Third convenience, 24 hours 7 days a week, 365 days a year business हो जाता है. You can access internet anything, you can access anything anywhere and anytime. It is very speedier mode. Okay, information is to be disseminated or provided very fast without any waiting period. Global access hai. Kahin par bhi baith ke tum log check kar sakte ho. Totally global market is accessible to you. Yahan se China se bhi product import kar sakte ho, kar sakte the, abhi nahi. Bahut sare China apps ban kar diye, suna hoga. बहुत सारे कंपनीज अपना चाइना से बोरिया बिस्तर उठा के इंडिया लेके आ रहे, दैट इज द बेस्ट थिंग. जियो ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस. 7.7% कुछ स्टेक खरीद लेगा गूगल और फिर दोनों सोच रहे कि मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और अगर वो करेंगे तो चाइना के मोबाइल फोन्स का सेल नीचे गिर जाएगा. अगर इंडियन अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है अच्छा, इसलिए हम लोग परचेस करते हैं चाइना फोन्स. अगर इंडियन अल्टरनेटिव अच्छा मिल गया तो हम क्यों खरीदेंगे चाइना फोन्स? अच्छा है. वे आर वेटिंग फॉर जियो फोन्स, कब आ जाए. मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी है, तो भाई पेपरलेस ही होता है पूरा का पूरा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा, तो दैट इज अ गुड थिंग. गवर्नमेंट सपोर्ट्स, this support ensures maximum transparency. अगर government support कर रहे तो at least transparency होगी. Easy payment via credit card, debit card, etc. Limitations, personal touch is missing. We cannot see and physically check the products before buying. Delivery time, it may lag. It may take several days. Amazon has launched a one-day delivery, but the issue is not yet resolved completely. What is resolved? Solved. Security issues, yes, hacking and other security issues are involved. Government interferes a lot in the business and the risk is very high, as it is very difficult to take in legal action if there is any fraud. So these are the merits and demerits. Next part is online transaction. But let me see. No. Yes, sorry. Yes, we can do this part easily. Ho jayega. It is very simple.
इसलिए हो जाएगा. Now what is online transaction? As we all know, online transaction is done with the help of internet. Wow, पता ही नहीं था सर. अरे बहुत सिंपल पार्ट है. It can't take place without proper internet connection. So internet connection must be there. Buying and selling of goods and services or ordering goods and services through internet. बस when a customer purchases the product or service, he or she pays for it through online transactions. Now what is the procedure? बोलने के लिए इतना difficult, इतना लंबा दिख रहा है, but it is very simple. You can write in your own words. I'll tell you how. अच्छा, the online transaction moves through pre-purchase, sale, actual purchase, sale and delivery stage. Now first thing, pre-purchase वगैरह वगैरह वो सब ठीक है, पर उन्होंने जो steps दिए, that steps are extremely simple. See, first registration. Now what is registration sir? देखो app पहली बार download करते हो mobile पे, Amazon वगैरह जो भी है. तो पहली बार एक बार साइन अप करते हो, यू नो व्हाट इज साइन अप, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन. एक बार कर लो, यू नीड टू रजिस्टर विद द ऐप और विद द वेबसाइट ऑफ सेलर, फिलिंग द डिटेल्स, ईच एंड एवरी टाइम वो देने की जरूरत नहीं है. फिर तुमको एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड यू विल गेट, एंड यू कैन बाय यूजिंग दैट लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड यू कैन इजिली log into that particular your account with seller. Okay, second last line you can check the buyer's account and his shopping cart is an online record of what you have picked up while browsing the online store. You know, pata hai add to cart karte hai. So I advise you ki bhai word to word karne ki zarurat nahi hai. Registration matlab one time registration hota hai. Agar wo login id aur password tumko mil gaya, so your account is created with the seller website or seller's interface, you can say. So, वहाँ पे account बन जाता है, you can add to the shopping cart, anytime you can see the status, track the record, etc. वो भी लिख सकते हो. Second, placing an order. Cart, add to cart में करने के बाद you'll place an order and you can track the record obviously. यहाँ पे आ सकते हो, you can track the record. That is the second step. Among the various alternatives, तो तुम लोग अगर suppose Amazon पे गए, तो बहुत सारे products देख लिए और उसमें से एक select कर दिया और order is placed, that is called as placing an order, add to cart. तो sir नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है. Price check कर लो और price और अपने choice के accordingly you will select the product and you will place an order. That's it. Third point, payment. और payment के कुछ modes है, वो perfectly करने पड़ेंगे. पेमेंट यू नो यार, आई मीन, लेकिन फिर भी देखो, सेकेंड लाइन पे द पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विद अ वेरी हाई लेवल एनक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज एनक्रिप्शन? आई विल टेल यू व्हाट इज एनक्रिप्शन. योर कॉन्फिडेंशियल कोड इज कन्वर्टेड इनटू योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सम नंबर और पिन एटसेट्रा इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रीडेबल code, which can be readable only by a system following a particular procedure, that is called as encryption. So ek bar clearly bola, aapne barabar bola nahi. It is the process by which secret information gets converted into a code. Coding, decoding, sunoga, encoding and decoding. Wo encoding karne ka kaam encryption karta hai. Objectives mein shayad pooch sakte hai. इंक्रिप्शन की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है तुमको, सिक्योरिटी मिलती है तुमको. द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर. द फॉलोइंग आर सम वेज इन विच वी कैन मेक दिस पेमेंट. फर्स्ट इज सीओडी. अरे बहुत अच्छे से पता है, कैश ऑन डिलीवरी पता है अपने को, सीओडी. लेकिन फिर भी देख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ पेमेंट बायर पेज द व्हेन शी रिसीव्स द प्रोडक्ट. घर पे आ जाएगा बंदा प्रोडक्ट लेके, तो हमको वहां पे पैसे पे करने हैं. दैट्स इट. हाँ, वहां पे भी यू कैन यूज कैश और पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, वहां पे मशीन लेके आते हैं आजकल, पर कैश ऑन डिलीवरी होगा. ऑन डिलीवरी यू विल पे. सेकंड, चेक. सर चेक थोड़ी होता है सर, फ्लिपकार्ट अमेजोन में नहीं होता रे, लेकिन लोकल प्रोड्यूसर है वो नखरे नहीं कर सकता. अभी स्ट्रगल कर रहा है बच्चा बंदा,
तो वो नखरे नहीं करते, नहीं हम चेक पेमेंट नहीं लेते, हाँ तो हम भी नहीं ऑर्डर देंगे, नहीं नहीं रुको रुको एक्सेप्ट चेक्स चलेगा, जिस मोड से देना चाहो दे सकते हो, लेकिन एक बात है चेक इशू किया उसने गुड्स भेज दिए बेचारे ने और चेक बाउंस यानी कि डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केस में इट इज एडवाइजेबल कि गुड्स डिलीवर तब करो जब चेक क्लियर हो जाए। देखो उधर लिखा भी होगा इन दिस टाइप ऑफ द पेमेंट द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड्स द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द चेक। चेक रियलाइज हो गया मतलब चेक क्लियर हो गया तब हम गुड्स भेज देंगे, आप चेक से पेमेंट करो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट सी, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट होगा, पेमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर डिस्पैचेस द गुड्स, ये तो इमीडिएटली होगा कुछ मिनटों में हो सकता है मैक्सिमम। पॉइंट डी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये भी हमको अच्छे से पता है क्योंकि ऑलरेडी कर लिया है तो क्यों एक्स्ट्रा लिखने का, यहाँ पे प्लास्टिक मनी खाली लिख दो, लिखा है देखो प्लास्टिक मनी, वहां पे नहीं दिया था पर मैंने बताया था प्लास्टिक मनी, पता है अपने को डिटेल में उनसे ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज डिजिटल कैश, वॉलेट्स पेटीएम वॉलेट्स वगैरह, ई वॉलेट, कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, फिजिकली कैश नहीं दिखती। सो डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था पहले, तुम लोग का फर्स्ट ईयर है सिलेबस का, लेकिन ये पहले भी था तो प्रीवियस ईयर्स में जब ये सिलेबस होता था ये सिलेबस में तब ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं। तो डिजिटल कैश वो टर्म याद रखो क्योंकि क्या ना वो मीनिंग दे देते दे। और यू शुड नो द वर्ड, तो तुम पेटीएम वॉलेट या ई वॉलेट लिखोगे तो वो रॉन्ग दे देंगे, उसमें जो वर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है वही चाहिए, दैट इज नोन एज डिजिटल कैश, अ कैश दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस and has no real or physical properties but offers the ability to use real currency in an electronic format. अरे कुछ नहीं रे, वॉलेट ही होगा, ई वॉलेट और क्या, बट पेपर में हमको डिजिटल कैश लगता है। नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नाउ लेट्स रिवाइज छोटा छोटा पार्ट फटाफट। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, वन टाइम होता है, वेरिंग यू विल गेट लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड, okay you can check shopping cart etc. Second, placing an order, you will place an order by looking at the various alternatives and checking the prices, then payment, there payment is secured, the system is secured by encryption. What is encryption? Tumhara jo bhi password hoga, tumne dekha hoga ki when you enter the password tumko wo circle circle hi dikhta hai, tumko letters nahi dikhte unless and until you give a specific command show password, अदरवाइज वो दिखेगा ऐसे ही दिखेगा डॉट डॉट डॉट, ताकि किसी को बाजू में बैठा उसको भी पता ना चले, वही इनक्रिप्शन है। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट, पेमेंट के मोड्स है सीओडी, मतलब जब पैसा मतलब गुड्स रिसीव होंगे बायर को तो बायर पेमेंट करेगा, वो फिजिकल कैश के थ्रू भी कर सकता है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता है। चेक, चेक से पेमेंट हो सकता है लेकिन चेक रियलाइज होने के बाद सेलर डिस्पैच करेगा गुड्स को। नेट बैंकिंग, यस, जब पेमेंट एक्चुअली क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली सेलर के अकाउंट में तब सेलर डिस्पैच कर देगा गुड्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड तुमको बहुत अच्छे से पता है। डिजिटल कैश, कैश दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, ई वॉलेट्स वगैरह एग्जांपल हो सकते हैं। सो आज यही पे रुकते हैं, बाइंग एंड नहीं, यस यस यस, वेट 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 अगेन सॉरी, ये भी बहुत सिंपल पार्ट है। Information plays a very important role in all transactions. Why we have? क्योंकि ये सारे questions related हैं और बहुत simple हैं. Information is exchanged in both traditional as well as online business. But as compared to traditional business, internet transactions are easy. In traditional business, time is required to travel, negotiate, to convince, presence of both the parties or face to face interaction is necessary. जरूरत पड़ती है, लेकिन फिजिकल इसमें कोई वर्चुअल केस में कोई टाइम नहीं लगता। देयर एज एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन टर्म्स एंड कंडीशंस फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इमीडिएटली यू कैन चेक द प्रोडक्ट्स। फिजिकल में वो बड़ा ड्रॉबैक होता है, नेगोशिएशन में कन्विंस करो, ट्रैवलिंग में टाइम जाएगा,
ये कुछ एक बेसिक प्रोसीजर दिया है, एक्सप्लेन भी नहीं किया, खाली इतना ही दिया है, बायर फाइंड्स द सेलर, बायर ने सेलर को ढूंढ लिया, बायर सिलेक्ट्स द प्रोडक्ट, बायर नेगोशिएट्स मतलब बार्गेन करेगा प्राइस एंड डिलीवरी के टर्म्स के ऊपर, 4 दिन में चाहिए, 6 दिन में चाहिए डिलीवरी, वॉट एवर, देन नेक्स्ट एक्चुअल सेल होगा, क्योंकि सब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो गए तो अभी सेल होगा एक्चुअली, फिर उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह या डिलीवरी एंड पेमेंट हो जाएगा, सब ये समझा नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करो डिलीवरी कर देंगे, या डिलीवरी और पेमेंट इस हाथ से ले इस हाथ से ले, ऐसा होगा, और फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी। सर पोस्ट सेल एक्टिविटी मतलब क्या? पोस्ट सेल में इंस्टॉलेशन, वाटर प्यूरिफायर वगैरह ऑर्डर किया तो, या गारंटी वारंटी वाला पार्ट, वो पोस्ट सेल में आएगा, पोस्ट सेल मतलब सेल के बाद। सो ये पार्ट पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली जो आप हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट, दैट फ्लो चार्ट कैन बी आस्क्ड। वापस एक बार देखते हैं, बायर सेलर को ढूंढेगा, बायर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, प्राइस और बाकी के टर्म्स डिलीवरी के वगैरह कंडीशंस नेगोशिएट यानी कि बार्गेन करेगा, ये बात जब फिक्स हो जाएगी तो एक्चुअल सेल होगा, बाद में पेमेंट होगा, फिर डिलीवरी हो सकती है, या डिलीवरी और पेमेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं, फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी होगी मतलब गारंटी वारंटी वगैरह। दैट्स इट, अभी कंफर्म रुक जाते हैं, थैंक यू सो मच, आउटसोर्सिंग वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।